देते हैं। धान की खरीद एमएसपी पे शुरू हो गई क्या हरियाणा के अंदर? बाजरे की खरीद एमएसपी पे हो रही है क्या हरियाणा के अंदर? कृषि मंत्री, मुझे नहीं पता कि हरियाणा के ही कृषि मंत्री हैं या वो बाहर विदेशों में ज्यादा नजर रखते हैं। किसानों का बाजरा मंडियों में पड़ा है, 70% बाजरे को ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी खराब। जनता पार्टी की सरकार गरीबों और किसानों को कुचलना चाहती है। लोग इसको नेस्त नाबूद कर देंगे इस सरकार को और आम आदमी का राज लेके आएंगे 2024। पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने गुरुग्राम स्थित पार्टी कार्यालय में शहर के मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों को बसाने के बजाय उनके घर को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कन्हई गांव में पिछले 25 वर्षों से रह रहे लोगों के मकान सरकार के आदेश पर निगम ने अवैध बताकर तोड़ दिए। साथ ही में उन्होंने कहा कि अगर उनके मकान अवैध थे तो वहां उनको बसाया क्यों गया। जनता पार्टी की सरकार गरीबों और किसानों को कुचलना चाहती है। मैं आज सुबह गुड़गांव के कन्हई गांव में गया था, वहाँ पे कई घरों को गिरा दिया गया है और बार बार गुड़गांव में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये लोग कह रहे हैं ये 25 साल से यहाँ बसे हुए हैं, सारे सरकारी कागज़ हैं, सारी सरकारी सुविधाएं इनको मिलती रही हैं, उसके बावजूद इनके बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हो गए हैं, आज अचानक से सरकार पीला पंजा भेजती है और इनके घरों को गिरा देती है। वो अफसर कहाँ हैं जिन्होंने, अगर ये अवैध हैं तो इन अवैध घरों को बसने दिया? वो अफसर कहाँ हैं जिन्होंने इनको बिजली पानी सारी सुविधाएं दी? जब तक उन अफसरों को सरकार लाइन में खड़े करके सजा नहीं देती, तब तक किसी भी तरीके की कार्रवाई गरीब लोगों के ऊपर, गरीब परिवारों के ऊपर सरकार का अत्याचार है। लोग इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले समय में देंगे। उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश का किसान मंडी में अपनी फसल नहीं बेच पा रहा, वहीं मंडी की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि ना तो वहां किसान के बैठने के लिए जगह है, ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पटौती मंडी में हमने टेंट लगाकर किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था कराई है और पीने का पानी की व्यवस्था कराई है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम हरियाणा के आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। किसानों के लिए कृषि मंत्री ने या सरकार कितने उपलब्ध नहीं कराई है। पटौदी मंडी में थक हार के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसानों के बैठने की व्यवस्था के लिए टेंट लगवाना पड़ा और वहां पानी का और खाने का इंतजाम हम करा रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन जो अन्नदाता है, जो पूरे देश को खिलाता है, उसका ऐसा अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है कि ना उनको एमएसपी मिल रहा है, ना सरकारी खरीद समय पर शुरू हो रही है, ना जानबूझ के सरकारी खरीद को रोका जा रहा है प्राइवेट वेंडर को फायदा पहुंचाने के लिए क्वालिटी खराब बता के, और सबसे बड़ी बात अब ये सुनने में आ रहा है कि जो बाढ़ का मुआवजा है उसको, ये धान की फसल की बिक्री के बाद उस मुआवजे को जारी किया जाएगा। ये अत्याचार है किसानों के ऊपर। जब आप लोग इसको नेस्त नाबूद कर देंगे इस सरकार को और आम आदमी का राज लेके आएंगे 2024। आज ही कृषि मंत्री ने बयान दिया था कि सबसे ज्यादा एमएसपी देने वाला हरियाणा। एमएसपी देते ही तो नहीं, यही तो लड़ाई है। किस चीज का एमएसपी देते हैं? धान की खरीद एमएसपी पे शुरू हो गई क्या हरियाणा के अंदर? बाजरे की खरीद एमएसपी पे हो रही है क्या हरियाणा के अंदर? कृषि मंत्री, मुझे नहीं पता कि हरियाणा के ही कृषि मंत्री हैं या वो बाहर विदेशों में ज्यादा नजर रखते हैं, लेकिन जितना मेरी जानकारी में है पूरे हरियाणा का किसान त्रस्त है इस वक्त। और हरियाणा में किसी भी फसल का एमएसपी, पहले तो सरकारी खरीद समय पर शुरू नहीं होती, दूसरा मंडियों में इंतजाम नहीं होता, कई कई दिनों तक अपनी फसल लेकर किसान मंडियों में बैठे रहते हैं, और तीसरा मैं तो बता ही रहा हूँ 70% बाजरा रिजेक्ट किया जा रहा है क्वालिटी इशू बता करके। इसका मतलब एमएसपी किसको दे रहे हो? 30% ही लोग बचे और उनको भी सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई कई मंडियों में, एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा है बाजरा, तो निश्चित तौर पे सरकारी खरीद जब हो ही नहीं रही है तो एमएसपी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए किसान नाराज हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। कृषि मंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एमएसपी पे हरियाणा फसल खरीदता है तो उनसे बड़ा झूठा भी इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं है।